राजधानी में एक बार फिर कोहरा रंग जमा रहा है। शुक्रवार की सुबह सूर्यदेव के दर्शन थोड़ी देरी से हुए, क्योंकि तड़के से कोहरा छाया हुआ था। इसका असर रेल और हवाई यातायात पर भी देखा गया। आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 68 फ्लाइट लेट हुई और 6 को रद्द करना पड़ा, जबकि आने वाली 47 फ्लाइट्स देरी से पहुंची और 14 को रद्द करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर में ठंड ने एक बार फिर से करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर के तापमान की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त दिल्ली का तापमान जो है वो 7 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं अगर विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त विजिबिलिटी 400 मीटर जो है वो दर्ज की गई। आईटीओ चुंगी पर हम मौजूद हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ी अगर अपने घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं तो पार्किंग लाइट जो है वो ऑन करके निकल रहे हैं, ताकि कोहरे की जो चादर दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। राजधानी में मचने वाला है कोहराम। अगले 2 दिन घने कोहरे के आसार, बारिश की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबत सर्दी के बाद कोहरे से और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिन में घना कोहरा पड़ सकता है और बारिश भी हो सकती है। कोहरे के साथ स्मॉग भी बढ़ा है, इसकी वजह से प्रदूषण की मार भी बढ़ी है। सुबह 9 बजे के आसपास भी डीएनडी पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। फॉग की वजह से कई फ्लाइट्स भी डिले हैं, कई ट्रेन रूट्स जो है वो भी डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ है, वो ये है कि आज ठंड का एहसास ज़्यादा हो रहा है। हालांकि टेम्परेचर जो है वो अभी जो रिकॉर्ड किया गया वो 8 डिग्री है, लेकिन सुबह के वक्त 5 डिग्री भी टेम्परेचर गया था। अभी सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आने वाले दिनों में 2-3 डिग्री भी टेम्परेचर होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप सुबह घर से निकलते हैं तो ठंड और कोहरा दोनों से सावधान रहें। सुशांत और ईसा गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।